Hello everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So, हमारी आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारा चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन हायर प्लांट्स, ठीक है? हम बात कर चुके हैं बहुत सारी जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और हमने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को बहुत अच्छे से समझा. उसके अंदर हमने डिफ्यूजन को समझा, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ऑस्मोसिस, इम्बाइबिशन, ये सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से हमारी प्रीवियस डिस्कशन के अंदर समझ चुके हैं, ठीक है? साथ ही साथ हमने वाटर पोटेंशियल के बारे में भी समझ लिया है, हमने सॉल्यूट पोटेंशियल के बारे में भी समझ लिया है, और हम ये देख चुके हैं कि जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट तो चलो हो गया कम डिस्टेंस के लिए, और हमने ये डिस्कस किया था कि जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट के पास क्या है? प्लांट के पास है वैस्कुलर टिश्यू, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है? ये सब चीजें हम हमारी प्रीवियस डिस्कशन के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि प्लांट्स किस तरह से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और उनका किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम रूट्स टू जितने भी एक्सट्रीम तक जो भी प्लांट की हाइट है वहां तक पानी पहुंचता कैसे है, ठीक है? तो इससे पहले कि हम कुछ भी स्टार्ट करें, एक बार ये देख लेते हैं कि इजली ऐप के साथ हमें जुड़ना कैसे है. तो इजली ऐप पे जाने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? आपको जाना पड़ेगा बेटा गूगल प्ले स्टोर पे. जल्दी से अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि इजली ऐप को कैसे डाउनलोड करना है. ये उन नए बच्चों के लिए जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए हम बता दें कि अगर आप इन वीडियोज़ को हमारे ऐप पे देखते हैं तो आपको मिलती है बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी में विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, और साथ ही साथ आपको मिलेगी डीपीपी, प्रैक्टिस मटेरियल जो भी होगा हमारे टॉपिक से रिलेटेड, एनोटेटेड पीपीटी, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको मिलता है. बट आपको करना क्या होता है, इजिली ऐप को डाउनलोड करेंगे. डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी डिटेल्स फिल कर देंगे, लोकेशन ऑन रखेंगे या उसको टाइप कर देंगे, ठीक है? उसके बाद आपको मिलेगा एक एटीपी, एटीपी से वेरीफाई कर देंगे अपना नंबर. जैसे नंबर वेरीफाई कर देंगे आपके सामने आएंगे कुछ कोर्सेज, और आपको सिलेक्ट करना होगा क्योंकि हम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कौन सा कोर्स, नीट का कोर्स हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? और आपकी क्लास कौन सी सिलेक्ट करेंगे, प्रारंभ बैच के लिए हम सिलेक्ट करेंगे हमारी 11th क्लास को, ठीक है? इसके बाद आपके पास है 8,999 रुपीज़ जो है पूरे के पूरे हमारा जो ये कोर्स है उसकी फीस है. बट आपके लिए खुशी की बात ये है कि ये जो पूरा का पूरा कोर्स है दैट कैन बी अवेलेबल टू फ्री ऑफ टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट. बिना कोई अमाउंट दिए आप इस कोर्स को बिल्कुल फ्री में अवेल कर सकते हैं. करना क्या होगा उसके लिए, सिंपल एक फ्री इजली कूपन कोड एंटर कर देंगे, ठीक है? क्या एंटर कर देंगे, फ्री इजली. जैसे ही आप फ्री इजली एंटर करेंगे आपके सामने आती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप से रिलेटेड, ऐप के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है? तो इसी के साथ ही हम शुरुआत कर रहे हैं हमारी आज की क्लास. और हमारी आज की क्लास का टॉपिक क्या है, हमारी आज की क्लास का टॉपिक है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर. हमने ये तो बोला, हमने सबने देखा हुआ है बेटा, हम सबने देखा हुआ है जब भी पानी दिया जाता है पौधों को, हम कभी भी लीव्स के ऊपर वाटर स्प्रे नहीं करते, हम कहाँ देते हैं, हम सॉइल के अंदर वाटर डालते हैं, ठीक है? सॉइल के अंदर क्या है, रूट्स हैं, राइट? तो रूट से वाटर एब्जॉर्ब होगा, वाटर के साथ कुछ डिजॉल्व मिनरल्स भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे. बट हर चीज ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ मूव करती है. तो प्लांट्स के केस में ऐसा क्या है कि रूट से जो वाटर है वो ऊपर जाता है हर पार्ट में, ठीक है? रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है वाटर. तो आज हमें यही समझना है कि हाउ दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस थ्रू रूट, ठीक है? चलो ओके, अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपने कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि कलर्ड वाटर ले लो, कलर्ड वाटर के अंदर एक प्लांट का कट स्टेम वाला पार्ट जो है अगर आप उसको डिप करके रख देते हैं, ठीक है? ये मेरे पास बहुत सारे कलर्ड वाटर है जो ट्विग है हमने लिए, तो इनके अंदर आप देखेंगे ये जो फ्लावर्स है या जो भी हमने लिया वाटर
का जो कलर है वो कलर आपका ऊपर तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है, मतलब वो कलर्ड वाटर जो है, जो कलर्ड वाटर हमने इस बेकर में लिया वो राइज कर रहा ऊपर, ठीक है। इसका मतलब कुछ ऐसी वेसल्स हैं प्लांट्स के अंदर जिनके थ्रू वो वाटर ऊपर राइज कर रहा है, ठीक है। तो वो वेसल्स कौन सी हैं, हम पढ़ चुके हैं वो वेसल्स कौन सी हैं, वो वेसल्स हैं जाइलम वेसल्स, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, लेट अस सी। कभी ना कभी कहते हैं अर्लियर स्टेजेस ऑफ लाइफ पर आपने जरूर ऐसा कुछ ना कुछ किया होगा, क्या किया होगा, एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया होगा, मतलब यू हैड प्लेस्ड अ ट्विग बेरिंग वाइट फ्लावर, एक वाइट फ्लावर का जो गुच्छा कह लो या ट्विग कह लो जिसके साथ उसकी टहनी भी अटैच होगी, ठीक है। उसको आपने क्या किया होगा, कलर्ड वाटर के अंदर और रखा होगा और इसका कलर चेंज होते हुए देखा होगा। ये एक्सपेरिमेंट आपके सामने है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हमने क्या किया, कलर्ड वाटर ले लिया, फ्लावर को रख दिया इसकी ये जो स्टेम वाले पार्ट के साथ, तो वॉट आप देखेंगे कि जो वाइट कलर के फ्लावर है इनके ऊपर क्या आना शुरू हो जाता है, कलर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ओके, एग्जामिन करते हैं जब हम कट एंड ऑफ द ट्विग को, तो कुछ घंटों के बाद You had noted the reason through which the colored water moved. कहाँ से water move किया, कुछ घंटों के बाद आप उस reason को बता सकते हैं, right? Okay. That experiment very easily demonstrate. अब ये जो experiment है अभी बहुत अच्छे से demonstrate कर रहे हैं कि path of water movement is through vascular bundles. Through vascular bundles, मतलब xylem and phloem के through, right? मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है प्लांट्स के अंदर दैट इज थ्रू जाइलम वेसल्स, एंड हमने ये भी समझा हुआ है कि जाइलम के अंदर जो मूवमेंट ऑफ वाटर है दैट इज यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। दैट्स ट्रू इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल तो है ही है, साथ में ऊपर की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। ओके, Now we have to go further. अब हम आगे बढ़ रहे हैं और ट्राई करते हैं समझने की कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन अपवर्ड डायरेक्शन इन अ प्लांट अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये भी बोलूंगी, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, राइट। तो देखो हमारे पास क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, तो मतलब वाटर, लेट अस चेक, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनेंगे, राइट। सी ये बेटा देखो हमारे पास है, वी हैव अ प्लांट, ठीक है, ये प्लांट की क्या है, लीव्स है, राइट, दीज आर द लीव्स, और ये क्या है हमारे पास, ये रूट्स है, ठीक है। ओके, अब देखो रूट्स के पास हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है वाटर, चारों तरफ क्या है, देयर इज वाटर, राइट। अब ये जो वाटर है ये इन रूट्स के थ्रू, वाटर इन रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है और लीफ के पास पहुंच जाता है, ठीक है। ये सारा है प्रोसेस। हमने ये भी समझा था कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है, मतलब आप सोचो ना ये कहाँ है, सॉइल के अंदर है बेटा, ये सॉइल के अंदर है रूट्स, और प्लांट जो है आपको पता है दे गो टू, मतलब बहुत ऊंची ऊंची हाइट तक पहुंच जाते हैं, राइट, बहुत ऊंची हाइट तक। अब वाटर का एब्जॉर्प्शन अगेंस्ट द ग्रेविटी कहाँ जाना है, इसको ऊपर तक बिल्कुल टॉप मोस्ट पार्ट तक जाना है, दैट मींस वाटर हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, वाटर को एक बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल करना पड़ता है थ्रू जाइलम वेसल्स, ये हम समझेंगे, ठीक है। अगर बात होती शॉर्ट डिस्टेंस की तब तो ठीक है, मान लेते कि डिफ्यूजन हो जाएगा, ऑस्मोसिस हो जाएगा, जो हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस कर लिया, बट क्यों लॉन्ग डिस्टेंस पर डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, व्हाई नॉट डिफ्यूजन, क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई नॉट डिफ्यूजन, क्यों नहीं,
ठीक है, तो इस चीज को समझेंगे डिफ्यूजन क्यों नहीं। तो एनसीईआरटी ये कहती है, एनसीईआरटी मतलब हमें पता है जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है दैट इज फ्रॉम सिंपल वाटर का मूवमेंट है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, राइट, अगेंस्ट मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हायर टू लोअर वाटर अपने आप डिफ्यूज कर जाते हैं, दैट इज फॉर स्मॉल डिस्टेंस। बट अगर हम डिफ्यूजन के ऊपर डिपेंडेंट रहें, अगर हम डिफ्यूजन के ऊपर डिपेंडेंट रहें तो क्या होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ ए सब्सटेंस विद इन अ प्लांट कैन नॉट बी बाय डिफ्यूजन अलोन। क्यों, क्यों का आंसर अब हम देखने जा रहे हैं, क्यों डिफ्यूजन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। देखो, डिफ्यूजन क्या है, पहली बात इट इज अ स्लो प्रोसेस, तो यहां पे मार्क कर लेंगे अपना आंसर कि डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज अ इट्स अ स्लो प्रोसेस। सबसे पहली बात, स्लो प्रोसेस है, कितना स्लो है, कितना स्लो है, कहते हैं कि 0.5 माइक्रोन मीटर की बात भी हम करते हैं। इट कैन अकाउंट फॉर ओनली द शॉर्ट डिस्टेंसेस, सिर्फ छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए तो मान सकते हैं कि डिफ्यूजन इज ओके, बट फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस ए टिपिकल प्लांट सेल, और टिपिकल प्लांट सेल का जो साइज है फॉर एग्जाम्पल 50 माइक्रोन मीटर है, 15 माइक्रोन मीटर सेल के पास पानी पहुंचाने में, बहुत छोटा साइज है बेटा ये, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेकेंड्स लगते हैं। अप्रॉक्सीमेटली कितने सेकेंड्स लगते हैं, 2.5 सेकेंड्स, ठीक है। तो स्लो प्रोसेस कितना प्रोसेस है कि 15 माइक्रोन मीटर सेल के पास पानी पहुंचाने के लिए टाइम कितना लग जाएगा, टाइम टेकन इज अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेकेंड, ठीक है। तो इतना जो टाइम है मतलब 2.5 सेकेंड, छोटे से सेल में पानी अगर डिफ्यूजन से जाएगा तो बहुत धीरे 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 जाएगा, तो मीन्स इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो अगर हमें रूट से प्लांट के टॉप मोस्ट पार्ट तक पानी भेजना है तो ये तो बहुत साल लग जाएंगे, है ना, बहुत सारे साल लग जाएंगे। अगर 2.5 सेकेंड्स इतने छोटे से डिस्टेंस के लिए लग रहे हैं तो बहुत हाइट तक तो पानी अगर हमें पहुंचाना है तो इट विल टेक ह्यूज टाइम लग जाएगा, बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा। सो एट दिस रेट कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल लग जाएंगे, इट वुड टेक फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर विद इन अ प्लांट। अगर 15 माइक्रोन मीटर, याद रखना माइक्रोन मीटर के पास 2.5 सेकेंड से पहुंच रहा है, तो 1 मीटर अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो प्लांट के पास अगर डिफ्यूजन के थ्रू पानी पहुंचाना है तो बहुत साल लग जाएंगे, तब तक तो शायद प्लांट रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो यस, अप्रॉक्सीमेटली 2 साल टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1 मीटर बाय डिफ्यूजन ओनली। तो अब आप समझ गए क्यों डिफ्यूजन के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन क्या है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, राइट, और बहुत साल लग जाएंगे प्लांट के सब पार्ट तक पानी पहुंचाने में। तो इसके लिए फिर प्लांट्स के पास क्या सॉल्यूशन है, देखो वाटर के थ्रू रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होना है, ऊपर जाना है, तो आज हमें यही समझना है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हाउ डज इट टेक्स प्लेस, ठीक है। चलो आगे आओ, नाउ सी, जब भी हम बात करते हैं लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की, ऑफन सब्सटेंसेस हैव टू बी मूव टू लॉन्ग डिस्टेंस, सिंपल, ठीक है। जैसे मतलब हम कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ले लो, हमारे जैसे भी ऑर्गेनिज्म अगर हम ले लें तो हमारे अंदर भी डिफ्यूजन के थ्रू नहीं होता है बेटा काम सारा, हमारे अंदर भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वैसे ही प्लांट्स के पास भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। सम टाइम द साइट ऑफ प्रोडक्शन और अब्सॉर्प्शन एंड साइट ऑफ स्टोरेज आर टू फॉर फ्रॉम ईच अदर, राइट। जैसे कि देखो, एक सेकेंड, जैसे कि देखो हमारे पास मान लो यहां पे क्या बन रहा है, फूड, ठीक है, चलो फूड यहां पे बन रहा है, तो यहां पे फूड कैसे बनेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। फोटोसिंथेसिस में हमें पता है वाटर चाहिए गैसेस के एक्सचेंज के लिए, ठीक है, इनके पास टोमेटो हो जाएंगे, हो जाएगा। वाटर को, वाटर का यहां है,
चाहिए किधर, इधर चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है जहाँ पे खाना बन रहा है, जहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, जहाँ वाटर अवेलेबल है और जहाँ पहुँचाना है, उनके बीच में बहुत बड़ा सारा डिस्टेंस है। अगर आपको एक सिटी से दूसरे सिटी जाना हो कोई भी अपना सामान भिजवाने के लिए, तो आप किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट को चूज़ करेंगे, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपको हो सकता है कि कोई बस के थ्रू आप पहुंचाओ, चाहे फ्लाइट के थ्रू पहुंचाओ, जैसे भी। मतलब कहने का ये, आप सिंपल शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि ठीक है मैं खुद जाके दे आऊँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वॉट डज इट मीन कि फ्रॉम ईच अदर डिफ्यूजन हो चाहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, ये वुड नॉट सफाइस, सफिशेंट नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्पेशल ट्रांसपोर्ट के साधन चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल करने वाले बिकम नेसेसरी लॉन्ग डिस्टेंस एंड अ मच फास्टर रेट, ठीक है। अब देखो, वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड आर जनरली, अब ऐसा तो नहीं है कि हम एक चीज को इतने लंबे डिस्टेंस तक अगर हमें कोई भी हम ट्रांसपोर्ट स्पेशल अरेंज भी कर रहे हैं तो क्या हम सिर्फ एक चीज को भेजेंगे, नहीं। हमारी कोशिश क्या रहेगी, जब ट्रांसपोर्ट से भेज ही रहे हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी में कोई सामान भेज ही रहे हैं, तो क्यों ना बहुत सारा सामान इकट्ठा भेज दें, मतलब बल्क में भेज दें, मतलब मास में भेज दें, ठीक है। तो प्लांट्स भी यही करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, उनके पास स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, राइट। उस स्पेशल ट्रांसपोर्ट के सिस्टम जो वाटर मिनरल या दूसरे भी सब्सटेंसेस है, उनका जो ट्रांसपोर्ट है वो एक बल्क में किया जाता है, एक मास फ्लो होता है, ठीक है। तो इकट्ठा सामान भेजने को बोलते हैं बल्क फ्लो या मास फ्लो, ठीक है। तो मूव्ड बाय अ मास और बल्क फ्लो सिस्टम, तो इस बात को मेंशन करेंगे हमारे नोट्स में, दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल एंड अदर सब्सटेंसेस इज बाय बल्क फ्लो सिस्टम और मास फ्लो सिस्टम। बल्क फ्लो सिस्टम या मास फ्लो सिस्टम मतलब सारा का सारा जो सामान है, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा करके भेजेंगे, सारा का सारा सामान क्या जाएगा, इकट्ठा जाएगा, बल्क में जाएगा, मास फ्लो बोलेंगे उसको, राइट। चलो अब देखो आगे, अब मास फ्लो है क्या। अब अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए व्हाट इज मास फ्लो, तो मास फ्लो क्या है बेटा, इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन बल्क और इन मास, मतलब बहुत सारा सामान इकट्ठा भेजेंगे, बल्क में भेजेंगे, ठीक है। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन टू पॉइंट्स। प्रेशर डिफरेंस मतलब हमें पता है अगर हम हायर प्रेशर से भेजेंगे तो सारा का सारा सामान क्या हो जाएगा, मतलब प्रेशर डिफरेंस मतलब क्या है, देयर इज अ ग्रेडियंट, एक तरफ प्रेशर कम है एक तरफ प्रेशर ज्यादा है। तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हम वो जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस है दैट इज इन बल्क, जिसको बोलते हैं बल्क फ्लो और मास फ्लो, ठीक है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास फ्लो दैट सब्सटेंसेस, चाहे वो बेटा सॉल्यूशन की फॉर्म में है, जो सब्सटेंसेस है चाहे वो डिसॉल्वड है, वाटर के अंदर डिसॉल्वड है, या वो सस्पेंशन की फॉर्म में, सस्पेंशन का मतलब कुछ सस्पेंडेड से पार्टिकल्स होते हैं, तो सारे के सारे स्वेप्ट अलोंग एट द सेम पेस एज इन द फ्लोइंग रिवर। मान लो आपको जैसे रिवर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप आजकल अपने आसपास देख रहे हो बहुत जगह पे फ्लड्स आ रखे हैं, ठीक है। जब फ्लड्स आते हैं तो वाटर जो है एक बहुत ही प्रेशर के साथ आता है, ठीक है। तो वो अपने साथ क्या ये सोचेगा कि मुझे इस चीज़ को लेके जाना है, इस चीज़ को नहीं लेके जाना, उस पानी के रास्ते में जो भी चीज़ें आएंगी सब की सब बह जाएंगी, चाहे वो गाड़ियाँ हैं, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे वो कोई बिल्डिंग है, कोई सामान है, पूरा का पूरा सामान उस रिवर मतलब जो फ्लड वाला वाटर है बहुत जो प्रेशर से आ रहा है उसके साथ सारा का सारा स्वीप हो जाता है, ठीक है। जैसा कि
रिवर के अंदर वाटर फ्लो करता है, सेम वैसे ही मास फ्लो के अंदर क्या होता है, चाहे पार्टिकल सॉल्यूशन में है चाहे सस्पेंडेड फॉर्म में है, जब वाटर एक प्रेशर के साथ आएगा तो पूरा का पूरा सामान उस वाटर के साथ फ्लो कर जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हो दरिया के अंदर, रिवर के अंदर पानी कैसे फ्लो करता है, फ्लड्स आती हैं, आप इमेजिन कर सकते हो पानी जब बहुत बहाव के साथ आता है ना तो वह सब चीज़ों को अपने साथ बहा के ले जाता है। तो सेम इसी तरह से प्लांट के अंदर क्या होता है, मास मूवमेंट या मास फ्लो, राइट? ओके, दिस इज अनलाइक डिफ्यूजन। हमने डिफ्यूजन के अंदर पढ़ा था, मेम्ब्रेन्स हमने पढ़ी थी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हमने परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कुछ सॉल्यूट, जरूरी नहीं है हर सॉल्यूट वाटर के साथ मेम्ब्रेन के अंदर पास कर जाएगा, कुछ सॉल्यूट बाहर भी रह जाएंगे। तो डिफ्यूजन में तो सिलेक्शन हो रहा था, राइट? तो छोटे जो पार्टिकल थे वो मूव कर जाते थे वाटर के साथ, बड़े वाले पार्टिकल मूव नहीं करते थे। बट जब हम बात करेंगे मास फ्लो के, जब हम बात करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, तब क्या होगा, तब डिफ्यूजन नहीं, तब जो सारा का सारा जो सब्सटेंसेस है चाहे वो सॉल्यूशन में है चाहे वो सस्पेंडेड फॉर्म में है, वाटर के साथ एक प्रेशर के साथ क्या करेंगे, वो वहाँ से पूरे के पूरे वाटर के साथ ही फ्लो कर जाएंगे। ठीक है, चलो, दे मूव, डिफ्यूजन में क्या हुआ था, इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे थे, डिपेंड कर रहा था उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, वहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट की बात नहीं थी, वहाँ पे थी कंसंट्रेशन की बात। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो सब्सटेंसेस थे वो अपने आप डिफ्यूज कर रहे थे, ये बात हम बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, ओके, अब देखो बल्क फ्लो कैसे अचीव हो सकता है। बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड इधर बाय बल्क फ्लो, है ना, पहली बात तो बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड बाय इधर पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और एक हो सकता है बेटा नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ध्यान दो, याद करो हमने कब बोला था पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर कब होगा, जब प्रेशर से जब हम मतलब पुल पुश करेंगे, जब हम पुश करेंगे दैट विल बी पॉजिटिव वाटर प्रेशर। ठीक है, देखो आइदर थ्रू अ पॉजिटिव वाटर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट, फॉर एग्जांपल अ गार्डन होज, गार्डन के अंदर जब पाइप, जो ट्यूबवेल से जो पाइप में से पानी आता है बहुत फ्लो के साथ आता है, ठीक है, तो दैट इज अ पॉजिटिव, हम बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, दैट प्रेशर इज पॉजिटिव। बट जब हम नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट की बात करते हैं तो उसका एग्जाम्पल हमारे पास, हमने क्या समझा था, जब हम स्ट्रॉ के थ्रू कोल्ड ड्रिंक को ऊपर सक करते हैं, हम उसको पुल कर रहे हैं, तो सक्शन से लगने वाला प्रेशर इज पुल, और जो बाहर से प्रेशर अप्लाई हो रहा है दैट इज पॉजिटिव प्रेशर, और सक्शन वाला प्रेशर हमने समझा था दैट इज नेगेटिव। ठीक है, तो देखो वही सेम एग्जांपल हम लिखेंगे, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस है प्रेशर का, और ये भी क्या है, ग्रेडियंट है। ठीक है, तो देखो ये इसके अंदर एग्जाम्पल कैसे है, थ्रू गार्डन होज, गार्डन होज का मतलब जब हम गार्डन के अंदर बड़े वाले पाइप से जब पानी देते हैं तो पानी एक प्रेशर के साथ आता है, बाहर से प्रेशर लग रहा है, दैट मींस इट इज द पॉजिटिव प्रेशर, इट इज द पॉजिटिव प्रेशर। और जब हम बात करेंगे सक्शन प्रेशर की, सक्शन प्रेशर के अंदर कौन सा प्रेशर है ये, दिस इज पुल, तो पुल वाला प्रेशर हमने समझा था दैट इज नेगेटिव। तो बल्क फ्लो कैसे हो सकता है, या तो बेटा बाहर से पुल कर लो, वाटर को बाहर से पुल कर लो, या ऊपर से प्रेशर लगा के उसको मूव कराओ, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, चलो अब देखो द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये बात हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि चाहे जाइलम से हो चाहे फ्लोएम से हो, जो बल्क में ट्रांसपोर्ट हो रहा है सब्सटेंसेस का, उसको हमने क्या नाम दिया था, ट्रांसलोकेशन, उसको हमने नाम दिया था ट्रांसलोकेशन का। तो देखो वॉट इज, क्या बोलेंगे हम, बल्क ट्रांसपोर्ट of substances, bulk transport of substances through vascular tissues is called translocation,
इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन. देखो ट्रांसलोकेशन का मतलब समझना, जाइलम के थ्रू क्या हो रहा है बेटा, वाटर ऊपर मूव कर रहा है, चाहे वो ट्रांसपिरेशन पूल से होगा कैसे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो ये क्या है, वाटर का सोर्स है कौन, रूट हेयर से, जाइलम से होता हुआ पानी कहाँ पे जा रहा है, देन फ्लोएम के थ्रू क्या हो रहा है, ये सारा ट्रांसलोकेशन प्रोसेस चल रहा है. सोर्स क्या है, लीफ सेल फूड बनने का, फूड कहाँ जाएगा, फ्लोएम के थ्रू, फ्लोएम के थ्रू कहाँ गया, सिंक सेल के पास, दीज आर रूट सेल्स. ठीक है, तो जहाँ पर खाना बन रहा है, तो फूड वेयर इज सिंथेसाइज्ड, या कोई भी मटीरियल व्हेन दे आर सिंथेसाइज्ड उसको हम बोलेंगे सोर्स. तो वेयर इट इज यूटिलाइज, दैट इज सिंक, राइट. तो सोर्स एंड सिंक की डेफिनेशन चेंज हो सकती है. जैसे मान लो फूड के लिए हम बोल रहे हैं सोर्स क्या है, लीफ सेल्स है, और सिंक क्या है, रूट सेल्स है. फूड का ट्रांसलोकेशन किसके थ्रू हुआ बेटा, फ्लोएम के थ्रू. और वाटर के लिए सोर्स कौन है, सिंक, ये रूट सेल्स, रूट सेल्स आर द सोर्स फॉर वाटर. अब वाटर यहां से होता हुआ जालम वेसल से होता हुआ कहां जा रहा है, सेल्स के पास, कौन से, लीव सेल्स के पास. तो व्हाट इज दैट, दैट इज, तब वो सिंक बन जाएगा. ठीक है, तो मतलब कहने का ये जो ट्रांसपोर्टेशन है सब्सटेंसेस का थ्रू जालम एंड फ्लोएम बल्क में अगर हो रहा है, दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. ठीक है, चलो वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, हायर प्लांट्स के पास स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू होता है. जाइलम किसके साथ एसोसिएटेड है, ट्रांसलोकेशन ऑफ मेनली वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स फ्रॉम रूट्स. याद रखोगे, अब सोर्स क्या है, रूट्स है, टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो एरियल पार्ट्स क्या बन गए, वो क्या है, सिंक है, राइट. ओके, द फ्लोएम ट्रांसलोकेट्स अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स मेनली फ्रॉम द लीव्स. अब यहाँ पे लीफ है बेटा सोर्स, टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, तो बाकी प्लांट्स क्या हो गए, सिंक हो गए, सोर्स क्या हो गया, लीफ हो गया. तो जाइलम एंड फ्लोएम स्पेशलाइज्ड प्लांट्स के पास, स्पेशलाइज्ड जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू क्या हो रहा है, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. ठीक है, चलो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो प्लांट्स हैं रूट्स के थ्रू, हम पहले वाटर की बात करेंगे. ठीक है, रूट्स के थ्रू प्लांट्स वाटर कैसे एब्जॉर्ब करते हैं. वी नो दैट रूट्स, सबको पता है मोस्ट ऑफ द वाटर जो कहाँ जाएगा, प्लांट्स के अंदर जाएगा. ऑब्वियसली दैट इज व्हाई हम वाटर जो है सॉइल में देते हैं, कभी भी लीव्स पर नहीं देते हैं. ठीक है, अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ध्यान से देखना बेटा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एब्जॉर्ब करने की वाटर एंड मिनरल को, वो मेनली उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज रूट हेयर. रूट हेयर आर रिस्पॉन्सिबल, दैट आर प्रेजेंट इन मिलियन एट टिप्स ऑफ रूट. आप देख सकते हो, ये देखो, ये रूट्स के सेल्स हैं. ठीक है, तो वाटर मिनरल आयंस आर एब्जॉर्ब, दिस इज व्हाट, दिस इज रूट हेयर, दिस इज रूट हेयर. जब हमने एनाटॉमी में हम पढ़ रहे थे, तो हमने स्ट्रक्चर बनाई थी रूट के, जो एपिडर्मल एक्सटेंशंस हैं उनको हमने बोला रूट हेयर. तो रूट हेयर के थ्रू क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, राइट. अब ये सारे क्या है, सॉइल पार्टिकल है, दिस इज रूट हेयर. तो रूट हेयर से होता हुआ वाटर, अब ये सेल्स हैं, ये कौन से सेल्स हैं, दीज आर द रूट के सेल्स है ये. तो इनके अंदर वही सेलुलोज वॉल वगैरह सब कुछ है, बट मेनली जो एब्जॉर्ब करने का काम है सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को, वो किसका है, रूट हेयर का. ठीक है, एट द टिप्स ऑफ रूट हेयर आर थिन वॉल्ड, पतले होते हैं, स्लेंडर एक्सटेंशन ऑफ द रूट एपिडर्मस सेल्स. ये बात हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, जो एपिडर्मिस की एक्सटेंशन है दैट इज रूट हेयर, राइट. और इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, बहुत सारे थिन थिन रूट हेयर सॉइल के अंदर फैले रहते हैं रूट्स के, जिसकी वजह से सरफेस एरिया भी क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, है ना. Absorbed along with mineral solute by the root hair purely by diffusion. अब यहाँ पे diffusion होगा, क्यों, क्योंकि soil के touch में है बेटा ये root hair. जो यहाँ पे ये, this is short distance. Root hair, they are, ये पूरे soil के अंदर, ये सारी soil है इसके आसपास. ठीक है, तो यहाँ diffusion के through जाएगा, यहाँ पानी क्या है, higher है. ठीक है, और रूट हेयर के अंदर पानी क्या है, कम है. तो हायर टू लोअर वाटर विल मूव, दैट मूवमेंट इज नोन एज
डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन से रूट हेयर में तो चला गया. मेन जो चैलेंज है वो है पानी को ऊपर लेके जाना अगेंस्ट द ग्रेविटी. यहाँ देख लो डिफ्यूजन से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो गया. तो आगे देखो प्लांट्स कैसे अब्सॉर्ब करते हैं वाटर को. देखो तो प्लांट्स के पास देयर मतलब रूट हेयर से तो हो गया डिफ्यूजन के थ्रू, अब आगे जाएगा सेल्स के पास पानी, राइट. अब आपको पता है जब हमने एनाटॉमी के अंदर हमने समझा हुआ था कि रूट हेयर के ये जो एपिब्लेमा जो हम बनाते हैं दीज आर रूट हेयर, ये कौन से सेल्स थे? एपिडर्मस सेल्स थे, ठीक है. अब इनके नीचे क्या है? ये कॉर्टेक्स के सेल्स थे, ठीक है. दीज आर कॉर्टेक्स सेल्स. और इसी तरह से अंदर फिर हमने एक और लेयर बनाई थी जब हम एनाटॉमी पढ़ रहे थे, किसकी? एंडोडर्मिस की, राइट. और हमने ये भी देखा था कि एंडोडर्मिस के अंदर कहीं कहीं क्या थी? सुबेरिन की डेपोजिशन थी. सुबेरिन डेपोजिशन, सुबेरिन इज इम्परवियस टू वाटर. और अंदर क्या बनाए थे हमने? अंदर बनाए थे बेटा यहाँ पर हमने वेस्कुलर बंडल्स. तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने ये बनाई थी बेटा एपिडर्मिस. ये बीच का पोर्शन क्या था? कॉर्टेक्स था, राइट. ये कौन सी लेयर थी? एंडोडर्मिस थी, ठीक है. और ये जो हमने किया था दिस इज सुबेरिन. सुबेरिन डेपोजिशन थी. सुबेरिन डेपोजिशन, सुबेरिन इज इम्परवियस टू वाटर. अब वाटर यहाँ से ये क्या है? रूट हेयर. ये क्या है? रूट हेयर. तो इन रूट हेयर से वाटर होता हुआ कॉर्टेक्स से होता हुआ इन सुबेराइज्ड एंडोडर्मिस से पास नहीं कर सकता. तो इसको फिर यहाँ से बीच में हमने कुछ ऐसे सेल्स भी बनाए थे जहाँ पे क्या था? कुछ सेल्स के पास सुबेरिन मटेरियल डेपोजिशन नहीं होता है, ठीक है. कुछ के पास सुबेरिन का डेपोजिशन नहीं होता है. तो बीच में ये जो कुछ रास्ते हैं इनके थ्रू फिर हम वाटर को यहाँ पहुँचना है, कहाँ? वेस्कुलर बंडल्स के पास, ठीक है. तो इसके लिए ना वाटर हम ये जो पूरा पाथवे है कहाँ से? देखो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल, नीचे का सारा जो लेयर थी पेरिसाइकल, पेरिसाइकल से कहाँ जाएगा? जाइलम, मतलब वेस्कुलर बंडल्स के पास, राइट. ये सारा फ्लो है, राइट. तो ये जो फ्लो है ये दो तरीके से हो सकता है. एक तो है बेटा एपोप्लास्ट, एक है सिम्प्लास्ट. एक है एपोप्लास्ट, एक है सिम्प्लास्ट. एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे. ध्यान से सुनना मेरी बात को. देखो वॉट वी हैव रूट हेयर. रूट हेयर से पानी कहाँ जा रहा है? एपिडर्मिस से होता हुआ एंडोडर्मिस तक पहुँच गया. तो ये जो आपको रेड सी लाइन दिख रही है, ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, ये ध्यान से देना कहाँ से जा रही है? ये सेल्स के, एक सेल दूसरे सेल के बीच में से, तीसरे सेल के बीच में से होती होती ये वेस्कुलर बंडल्स तक पहुँच गई. ये कौन सा पाथवे? सिम्प्लास्ट पाथवे, राइट. और ध्यान से सुनना, अब ये जो हमारे पास पर्पल सी, ब्लू सी जो लाइन जा रही है, ये बिल्कुल साइड से होती हुई, साइड से होती हुई जा रही है जाइलम वेसल पर. ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एपोप्लास्टिक पाथवे. नाउ लिसन, चलो इसको और क्लैरिफाई करते हैं. देखो मेरे पास ये, मान लो ये कुछ सेल्स हैं. ध्यान से देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू अंडरस्टैंड, हम क्या समझना चाह रहे हैं. ये सारे के सारे सेल्स मैंने कर दिए हैं आपस में ज्वाइन. आपस में सेल्स कैसे ज्वाइन होते हैं? इन जंक्शंस को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा. और ये कुछ सेल्स और चलो मैंने बना दिए, ये कुछ सेल्स मैंने और बना दिए. ये क्या है बेटा? ये है मेम्ब्रेन. और ये बीच में दो सेल्स के बीच में, चलो इसको थोड़ा इनलार्ज करते हैं. ये बीच का है इंटरसेलुलर स्पेस. ये क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस, राइट. दिस इज इंटरसेलुलर स्पेस. और आपस में ये जो सेल्स है आपस में कनेक्टेड है. आपस में क्या है? ये कनेक्टेड है. दीज आर कनेक्टेड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस. Through plasmodesmata connections, these cells are connected, right? अब देखो जब water का movement होगा तो एक तो मान लो यहाँ से यहाँ सारा water है. Water कहाँ से जा रहा है? यहाँ से निकला, इस cell से होता हुआ plasmodesmata connection के through यहाँ पे पहुँच गया. इसको हमने क्या नाम दिया? Symplast. इसको हमने नाम दिया Symplast pathway. ठीक है. दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि वाटर यहाँ से एंट्री तो ली इसने, बट ये सेल के अंदर ना जाके इंटरसेलुलर स्पेसेस से होता हुआ, सेल वॉल से होता हुआ, बिल्कुल यहाँ से होता हुआ
साइड में जाके ये चला गया. इसको हमने नाम दिया एपोप्लास्ट. इसको क्या नाम दिया हमने? एपोप्लास्ट. अब देखो, आप जा रहे हो बेटा एक सिटी से दूसरे सिटी. आप कौन सा रूट पकड़ते हो? हाईवे वाला रूट मान लो आपने पकड़ा. तो आप सिटी के अंदर नहीं जा रहे हो, आप सिटी के बाहर बाहर से रास्ता बनाते हुए हाईवे से होते हुए बाईपास से होते हुए दूसरे सिटी तक पहुंच जाते हो. तो जब आप हाईवे से ट्रेवल कर रहे हो, जब आप बाईपास से ट्रेवल कर रहे हो, दैट इज एपोप्लास्ट. और आप ऐसे रास्ते से बहुत जल्दी पहुंचेंगे, तेजी से पहुंचेंगे. तो ये कैसा पाथवे है? दिस इज फास्ट. अब आपको जाना है एक सिटी से दूसरे सिटी, पर सिटी के अंदर से होते हुए जाओगे. अंदर से होते हुए जाओगे तो सिटी के अंदर ट्रैफिक में मिलेगा. कुछ गलियां हो सकता है ऐसी हो जो आपको रास्ता ही ना दे. तो मतलब कुछ रुकावटों के साथ मतलब बीच में से होके जा रहे हो आप सिटी के अंदर. तो आप एक सिटी से दूसरे सिटी तक अगर शहर के बीचों बीच होते हुए जाओगे तो आप धीरे पहुंचोगे. तो सेम प्लास जो पाथवे है, दैट इज स्लो पाथवे. ठीक है, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी. तो दिस इज एपोप्लास्टिक जो बाहर बाहर से निकल रहा है. सिम्प्लास्टिक जो सेल के अंदर से जा रहा है रास्ता. ठीक है, ये एंडोडर्मिस है हमारे पास और जाइलम वेसल्स है. तो देखो सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्टिक पाथवे कैसे काम करते हैं. सिम्प्लास्ट पाथवे को हम शो कर रहे हैं इस येलो कलर से और इसको हम शो कर रहे हैं इस ऑरेंज कलर से. पहले समझते हैं एपोप्लास्ट. एपोप्लास्ट मतलब बाईपास होकर जाना, हाईवे से होकर पास करना. तो ये देखो, यहाँ से वाटर पास किया, ये सेल मेम्ब्रेन के इधर, बस ये सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से होता हुआ, ये बीच में नहीं जा रहा कहीं भी. ये सी, ये एरो देखो, एरो से होता हुआ. अच्छा, अब जैसे ही ये पानी एंडोडर्मिस के पास पहुंचता है, वहां तो है सुबेरिन. अब सुबेरिन वाटर को जाने नहीं देगा. तो उस केस में एपोप्लास्टिक जो पाथवे है वो क्या बन जाएगा? वो जब सेल के अंदर एंट्री लेगा तो ये बन जाएगा सिम्प्लास्टिक पाथवे. जब एंडोडर्मिस के अंदर से ये जो पैसेज सेल, ये जो दिखाया हमने, दिस इज व्हाट. अब ये था एपोप्लास्ट, सॉरी ये तो सारा सिम्प्लास्ट था. तो जब सुबेराइज मेम्ब्रेन से नहीं पास कर पाएगा, तब एपोप्लास्टिक जो वाटर का फ्लो है वो क्या बन जाएगा? सिम्प्लास्टिक. तब वो सेल के अंदर से होके जा सकता है पेरिसाइकल, फिर जाएगा जाइलम के पास. अब आ जाओ आप किसके पास? हमारे सिम्प्लास्टिक पाथवे के पास. सीधा एंटर किया सेल के अंदर, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन से कॉर्टेक्स में पहुंचा, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में गया, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल, पेरिसाइकल से आ गया जाइलम में. ठीक है, तो सिम्प्लास्ट बेचारा सिंपल प्लास्ट के वे में चल रहा है, बट एपोप्लास्ट को जब सुबेराइज्ड एंडोमेम्ब्रेन के सेल से निकलना पड़ता है तो वो क्या बन सकता है? सेल के अंदर से भी रास्ता ले सकता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी भी वजह से अगर हाईवे बंद है, अगर बाईपास का रास्ता ब्लॉक है, तो क्या होगा? तो सिटी के अंदर से भी जाना पड़ता है कई बार. ठीक है, तो फिर ये एपोप्लास्टिक पाथवे क्या बन जाएगा? सिम्प्लास्टिक पाथवे सेल के अंदर से होकर जाएगा. राइट, तो इतनी बात समझने के बाद अब देखो, द एपोप्लास्ट इज अ सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स जो आपस में कंटिन्यूअस है थ्रू आउट द प्लांट एक्सेप्ट एट द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ऑफ द एंडोडर्मिस. हमने पढ़ा था रूट्स के अंदर एंडोडर्मिस की जो सेल्स है, जब उनके ऊपर सुबेरिन की डेपोजिशन हो जाती है तो एक स्ट्रिप बनती है. उस स्ट्रिप को, सुबेराइज्ड स्ट्रिप को हमने क्या बोला? कैस्पेरियन स्ट्रिप. क्या बोला? कैस्पेरियन स्ट्रिप. ठीक है, तो जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर अकर एक्सक्लूसिवली थ्रू, इसको मार्क करोगे इंटरसेलुलर स्पेसेस. मान लो ये जैसे दो सेल्स हैं, सेल्स के बीच में जो स्पेस है ये कौन सा स्पेस है? इंटरसेलुलर स्पेस. ठीक है, और वॉल्स ऑफ द सेल से होता हुआ पानी जाता है, तो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? एपोप्लास्टिक मूवमेंट. ठीक है, मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व, क्रॉस नहीं करता बेटा वो सेल मेम्ब्रेन को, कोई भी मतलब जंक्शंस के, प्लाज्मोडेस्माटा जंक्शन के थ्रू सेल के अंदर नहीं एंटर करता. दिस मूवमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रेडियंट. ठीक है, एपोप्लास्ट ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस पे डिपेंड करता है. जहाँ ग्रेडियंट होगा वहाँ पे वाटर का मूवमेंट होगा. एपोप्लास्ट कोई भी बैरियर नहीं देता रास्ते में टू द वाटर मूवमेंट, क्योंकि सीधा रास्ता है, हाईवे से जाना है, बाईपास से जाना है, रास्ते में कोई भी रुकावटें नहीं आएंगी. ठीक है, एंड वाटर मूवमेंट इज थ्रू मास फ्लो. अब वाटर के रास्ते में जो भी आता जाएगा सब उसके साथ बहता चला जाएगा. ठीक है, एज वाटर एवेपोरेट्स इन टू द इंटरसेलुलर स्पेसिस,
or the atmosphere. Tension develops in the continuous stream of water in the apoplast. ठीक है, negative है ना. Hence the mass flow of water occurs due to the adhesive and cohesive properties of water. Adhesive मतलब water के molecules आपस में जुड़ जाएं, that is adhesive. और water के molecule उन cells के साथ अगर जुड़ जाए, cell wall जो जहां से water pass करे, that is cohesive. तो इन property की वजह से there is mass flow of water and that is through only intercellular spaces, does not cross the cell membrane. और ये fast होगा कि slow होगा, जल्दी से आप अब मुझे बताएंगे क्या होगा. ये comparatively fast होगा, right? अब देखो, सिम्प्लास्टिक सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट. सेल वॉल्स को हटा दो, सेल वॉल्स को हटा दो तो क्या बन जाता है? प्रोटोप्लास्ट. दो सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा जंक्शन जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स दैट एक्सटेंड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा. ये एक सेल का साइटोप्लाज्म है, ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है. ठीक है, ड्यूरिंग सिम्प्लास्टिक मूवमेंट वाटर ट्रेवल करता है थ्रू द सेल्स, फिर उनके साइटोप्लाज्म. थ्रू इंटरसेलुलर मूवमेंट इज थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा. अब वाटर को एंटर करना है सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, हेंस द मूवमेंट इज रिलेटिवली स्लो. तो सिम्प्लास्ट जो है कंपैरेटिवली स्लो होता है एज कंपेयर टू एपोप्लास्ट. मूवमेंट इज अगेन डाउन अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, डाउन द ग्रेडियंट. ठीक है, तो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जिसको आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो. साइटोप्लाज्म जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे वाटर का मूवमेंट होगा. ठीक है, एंड इट इज डाउन द ग्रेडियंट. डाउन द ग्रेडियंट मतलब हायर टू लोअर पे भी जा सकता है. यू मे हैव ऑब्जर्व साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इन सेल्स ऑफ हाइड्रिला लीफ. The movement of chloroplast due to streaming is easily visible. मान लो ये, मान लो मेरे पास कोई सेल है, ठीक है, और ये मैंने बनाया, एक सेकेंड. फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस सेल. ठीक है, ये सेल के अंदर मान लो ये सारा क्या है, पूरा साइटोप्लाज्म है. तो साइटोप्लाज्म ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है. तो जो भी इसके रास्ते में चीज़ें आ रही हैं तो वो भी क्या करेंगे, ऐसे ऐसे रोटेट करती जाएंगी. दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. ठीक है, ओके, आ गया हूँ. अब देखो, ज़्यादातर जो वाटर का मूवमेंट है या एब्जॉर्प्शन है थ्रू रूट्स, कौन सा पाथवे होगा? दैट इज एपोप्लास्टिक पाथवे. ठीक है, मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट्स अकर वाया द एपोप्लास्ट सिंस द कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड. ये चीज हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जो कॉर्टिक्स के सेल्स हैं वो थोड़ा सा लूजली पैक्ड होने की वजह से उनके अंदर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस है. तो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस वाटर के रास्ते में जो भी उसको स्पेस मिलता जा रहा है वो वहां से फ्लो करता जा रहा है. ठीक है, तो यू कैन सी हेयर, दिस इज रूट हेयर, और ये कॉर्टिक्स के सेल्स एंड दीज आर इंटरसेलुलर स्पेसिस. ये यहां से होता हुआ वाटर इज एब्जॉर्ब. ये कौन सा पाथवे है? दिस इज एपोप्लास्टिक. सेल्स के बाहर बाहर से बस पानी जा रहा है. ठीक है, दैट इज ड्यू टू loosely arranged cortical cells, there is large intercellular space, therefore the water is absorbed via apoplastic way. ठीक है, ओके, एंड हेंस ऑफर नो रेजिस्टेंस. अब पूरा रास्ता खाली है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तभी तो हम हाईवे से जा रहे हैं कि हमें खुला रास्ता मिलता है और हम जल्दी पहुंच जाएंगे. ठीक है, हाउएवर द इनर बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स. दिक्कत कहाँ पे आएगी? जब जाके कहीं हमें हाईवे जाम मिलेगा, हाईवे जब हमें बंद मिलेगा, मतलब एंडोडर्मिस आ जाएगी. एंडोडर्मिस की कैस्पेरियन स्ट्रिप मतलब सुबेरिन डेपोजिशन, दिस वन, ये सुबेरिन डेपोजिशन है. तो यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से वाटर का निकलना मुश्किल हो जाएगा. तो यहाँ से फिर वाटर को एपोप्लास्ट से कैसा बनना पड़ेगा? सिम्प्लास्टिक पाथवे मतलब सेल के अंदर से होके जाना पड़ेगा. That is endodermis is impervious to water because of a band of suberized matrix called the Casparian strip. तो आपसे कोई पूछे कि apoplastic pathway कब बन जाता है symplastic pathway, तो आप बोलेंगे जब water के रास्ते में कौन आ जाए? Casparian strip. Casparian strips कहाँ है? Suberin के deposition है endodermis cells के ऊपर.
राइट। चलो आप देखो, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स दे आर अनेबल टू पेनिट्रेट द लेयर, ठीक है, सो दे आर डायरेक्टेड टू वॉल रीजंस दैट आर नॉट सुपराइज्ड, जो नहीं सुपराइज्ड है उस तरफ अपना रास्ता टर्न कर लेंगे, ठीक है, इनटू द सेल्स प्रॉपर थ्रू द मेम्ब्रेन, द वाटर देन मूव्स थ्रू सिम्प्लास्ट और अगेन प्रोसेस आ मेम्ब्रेन टू रीच द सेल्स ऑफ द साइलम, सेम थिंग वी हैव अंडरस्टूड, राइट, ओके, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट लेयर is ultimately symplastic in the endodermis. तो जब endodermis से cross करेगा ना water, तब उसको symplastic pathway लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि Casparian strips है, ठीक है, and other solutes can enter the vascular bundles, मतलब xylem and phloem के अंदर enter कर सकते हैं, तो I hope हमें चीजें clear हो रही हैं। अब देखो, जब एक बार water xylem के अंदर enter कर गया, अब water free है, चाहे वो सेल्स के बीच में से मूव करे और चाहे वो उनके एज वेल एज थ्रू देम इन यंग रूट्स, वंस इनसाइड द जाइलम व्हाट इज अगेन फ्री टू मूव बिटवीन सेल्स एज वेल एज, चाहे साइड से होके जाए, चाहे सेल्स के अंदर से होके जाए, चाहे एपोप्लास्टिक पाथवे ले, चाहे सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो याद रखोगे, एपोप्लास्टिक पाथवे हाईवे से जाना, सिम्प्लास्टिक पाथवे सिटी के अंदर से होकर जाना, ठीक है, ओके, वाटर एंटर डायरेक्टली इन टू द जाइलम वेसल्स या ट्रेकेट्स, दीज आर नॉन लिविंग कंड्यूट्स एंड सो आर द पार्ट्स ऑफ एपोप्लास्ट। जो जालम वेसल्स है, जो जालम ट्रेकेट्स है, वो एक तरह से क्या है, नॉन लिविंग पार्ट है, डेड है ना, तो वहां से कौन सा पाथवे होगा, दैट इज थ्रू, मतलब अब वहां प्रोटोप्लास्ट की बात नहीं हो रही है, वहां पे नॉन लिविंग एपोप्लास्टिक पाथवे आकर्स थ्रू नॉन लिविंग कंड्यूट, नॉन लिविंग पार्ट से एपोप्लास्टिक पाथवे आकर्स, ठीक है, एक बार फिर से देखो, सिम्प्लास्टिक, एपोप्लास्टिक, एंडोडर्मिस से होता हुआ जाइलम तक पहुंच जाएगा, राइट, और ये सारा पाथवे फॉलो करेगा, ठीक है, ओके। अब देखो, अब हमने पढ़ा हुआ है कुछ हायर प्लांट्स, जैसे कि पाइनस जैसे प्लांट्स, उनके रूट्स बहुत ज़्यादा दूर तक स्प्रेड नहीं कर पाती हैं, तो उनके साथ वाटर का एब्जॉर्प्शन हेल्प करने के लिए कौन आता है, फंगल हाइफे, है ना, हमने पढ़ा था जब हम प्लांट किंगडम की बात कर रहे थे, दैट इज नोन एज एसोसिएशन ऑफ फंगल हाइफे एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इज नोन एज माइकोराइजे, दैट इज नोन एज माइकोराइजे, ठीक है। तो देखो, some plants have additional structures associated with them that help in water and mineral absorption में जो help करती हैं। तो यहाँ आगे mycorrhizae की बात। mycorrhizae क्या है बेटा? एक symbiotic association है किसकी? fungus की with the root system of higher plants, right? the fungal filament form a network around the young root. these are the young roots. ये these are the root here. ठीक है, यंग रूट। अब ये सारे हाइफे पूरी तरह स्प्रेड कर जाते हैं बहुत दूर दूर तक सॉइल के अंदर, पूरा का पूरा क्या बना दिया, एक हाइफे बना देते हैं, ठीक है। हाइफे हैव अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया। अब वो हाइफे अब्जॉर्ब करते हैं क्या, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम ए मच लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉइल दैट परहैप्स अ रूट कैन नॉट डू। हो सकता है रूट इतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब ना कर पाए, रूट बहुत दूर तक स्प्रेड ना कर पाए। अब हमें पता है फंगस तो क्या है, कॉस्मोपॉलिटन है, तो फंगस के जो हाइफे हैं वो रूट्स के साथ ग्रो कर जाते हैं और बहुत दूर दूर तक स्प्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस। तो ऐसे एसोसिएशन को क्या कहते हैं, फंगस को क्या मिल रहा है बेटा, फंगस तो क्या प्रोवाइड करवा रही है, मिनरल एंड वाटर दे रही है रूट्स को, जो शायद रूट्स ना कर पाती, ठीक है। तो बदले में रूट्स क्या दे रही है, शुगर्स दे रही है और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स टू द माइकोराइजे। तो दोनों का आपस में काम चल रहा है, मतलब सिंपल सी बात है, रूट्स ये कहती हैं कि तुम फंगल हाइफी को कि आप मेरे लिए वाटर एब्जॉर्प्शन कर दो, आप मेरे लिए मिनरल का एब्जॉर्प्शन कर दो, बदले में क्या मिलेगा फंगस को, तो रूट ये बोलती है बदले में आपको हमसे शुगर मिल जाएगी और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स मिल जाएंगे जो फंगस शायद खुद नहीं बना पाती, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोराइजे, मतलब दोनों का काम नहीं चल सकता, जरूरी हो जाता है फंगल हाइफी का रूट्स के साथ अपना एक म्यूचुअल रिलेशनशिप डेवलप करना, दैट म्यूचुअल रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोसिस, और ये एक ऑब्लिगेट टाइप का रिलेशन है, मतलब दोनों के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जो पाइनस का सीड है, पाइनस के साथ हमने पढ़ा हुआ एसोसिएशन, तो पाइनस का सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर सकता और बिना इसके माइकोराइजे की प्रेजेंस के,
तो दिस इज ऑब्लिगेट, मतलब रहना ही पड़ेगा. पाइनस को अगर सर्वाइव करना है, सीड को अगर जर्मिनेट करना है, तो उसको फंगस हाइफे चाहिए ही चाहिए. तो इस तरह के रिलेशनशिप को बोलते हैं ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है जिसमें दोनों का फायदा हो रहा है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है. ठीक है, तो विद दिस हमने समझ लिया है कि जो रूट्स है वो कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो डिस्कशन होगी वो हम देखेंगे कि जो वाटर का मूवमेंट है वो कैसे होता है, थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर या ट्रांसपिरेशन पुल. तो फिलहाल आज का जो भी हमने टॉपिक समझा है उसके लिए अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस. तो आंसर देने की कोशिश करेंगे. विच पोर्शन ऑफ द रूट एब्जॉर्ब बोथ वाटर एंड मिनरल्स. तो क्या ये टर्मिनल पोर्शन ऑफ रूट्स है, या जोन ऑफ सेल इलोंगेशन है, या जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन, जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन. ठीक है, टर्मिनल पोर्शन ऑफ रूट आपको पता है कि टेपरिंग पार्ट होता है ना, जो सॉइल के अंदर टेपर करने में हेल्प करता है. देन आता है जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन, और उसके बाद आता है जोन ऑफ सेल इलोंगेशन. बट जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन के अंदर सब सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं, अपना अपना काम ले लेते हैं. ठीक है, तो आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन होता है रूट हेयर के थ्रू, और रूट हेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो प्रेजेंट होंगे जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन में. तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा डी, जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन. राइट, ओके, आगे आ जाओ. वाटर मिनरल एंड फूड आर जनरली मूव्ड बाय ओवर लार्ज डिस्टेंस बाय बल्क फ्लो और मास फ्लो. ये तो हम समझ चुके हैं कि सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दीज आर मेंट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. ठीक है, चलो आगे आ जाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हमें क्या ढूंढना है इनकरेक्ट अबाउट द एपोप्लास्टिक पाथवे. मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस, येस वेरी राइट, एंड द वॉल्स ऑफ सेल्स, ओके. मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द ग्रेडियंट, येस. Mass flow occurs due to the adhesive and cohesive property of water. This pathway provides a barrier. There is no barrier to the water movement. जहाँ जहाँ space मिलता जा रहा है, water move करता जा रहा है. तो this is incorrect. ठीक है, okay. Next, ये हो गया. Okay. Then, which of the following is incorrect about the symplastic pathway? सिम्प्लास्टिक पाथवे के बारे में विच वन इज इनकरेक्ट. मूवमेंट ऑफ वाटर इज रिलेटिवली स्लोअर, ओके. मूवमेंट इज डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, येस. इट मे बी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, येस. मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट अकर्स बाय, नो, दिस इज बाय एपोप्लास्टिक पाथवे. तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट. तो यहाँ भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी. ओके, नेक्स्ट आओ. The movement of water is correctly expressed by, देखो सबसे पहले ढूंढ लो बेटा root hair. Root hair मतलब epidermis. Epidermis से कहाँ गया, cortex में. Cortex से गया endodermis, से endodermis से pericycle, pericycle से xylem के अंदर. ठीक है, that means इसका answer क्या हो गया, C. तो with this we have completed with symplast and apoplastic पाथवे. सो इट्स अ टाइम टू से थैंक यू. नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में. राइट, तो विद दिस थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल.